पिछले कुछ वक्त से हम बॉयकॉट ट्रेंड देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे कई बड़ी बड़ी मूवीज़ को अलग अलग रीजंस के चलते बॉयकॉट किया गया। आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड डेब्यू मूवी यानी कि लाइगर, जहाँ पे उनके अपोजिट हमें अनन्या पांडे दिखाई दे रही है, माइक टायसन का एक बहुत ही स्पेशल कैमियो है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ये मूवी कुछ ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाई एंड ये मूवी डेफिनेटली फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। अब इस सब के ऊपर जो इस मूवी की प्रोड्यूसर है, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और मूवीज़ का लगातार इस तरीके से बॉयकॉट होने पर एक बड़ा बयान दिया है और उसके पीछे की क्या रीजंस हो सकते हैं ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लाइगर के प्रोड्यूसर। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। चार्मी कौर जो है लाइगर की प्रोड्यूसर, बॉक्स ऑफिस के फेलियर पे कहती हुई नज़र आई कि आजकल बहुत ही स्थिति जो है डरावनी हो गई है। आए दिन कई सारे मूवीज़ बॉयकॉट होते रहते हैं, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन जैसी मूवी और उसके बाद लाइगर, ये तीनों काफ़ी प्रॉमिसिंग मूवीज़ थी और लग रहा था कि बॉक्स ऑफिस को, बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को रिवाइव कर पाएगी ये मूवी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। पिछले चार दिन के, मतलब जब से ये 25 तारीख को रिलीज़ हुए तब से अब तक जितने भी उनकी कमाई हुई है बॉक्स ऑफिस पर इतनी खास नहीं रही है। और उन्होंने कहा कि ये स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा भयानीय है, काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। और उनका कहना है कि आजकल ऑडियंस जो है काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है। फ्री प्रेस से वो बात करते हुए कि ये बात कहते हुए नज़र आई कि लोगों को आजकल घर में इजीली कंटेंट मिल रहा है, जो कंटेंट वो देख सकते हैं, अच्छा खासा कंटेंट है जो वो कंज्यूम कर सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के। तो वो इतनी महंगे सीटों के लिए क्यों आए, इतने महंगे टिकट्स क्यों खरीदे सीट के लिए मूवी देखने के लिए, जब उन्हें घर बैठे आराम से जो है पूरे परिवार के साथ देखने का मौका मिलता है, मूवी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और ऐसे कुछ ज़्यादा ही अगर कुछ बड़ा कंसेप्ट है या हम कुछ बड़ा डिफरेंट टॉपिक या कुछ बढ़िया सी चीज़ लेके आए तो ही लोग आजकल अपने घर से बाहर निकलते हैं थिएटर्स में आने के लिए। सो यस, अच्छी मूवीज़ बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिंबसरा हो, सीताराम हो या फिर कार्तिकेय 2, ये साउथ की मूवीज़ काफ़ी कमाल कर गई है। इन द सेम टाइम जिस टाइम पे लाइगर हो, रक्षाबंधन हो, लाल सिंह चड्ढा वर्क नहीं कर पाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड मूवीज़ नहीं बल्कि साउथ लोग प्रेफर करते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि इट डिपेंड्स कि आपका कॉन्टेंट कैसा है, आपका काम कैसा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे कॉन्टेंट स्पीक्स। ये कहीं ना कहीं उनके बातों से साफ साफ नज़र आने लगा है। और उन्हें कहा है कि बॉस, मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अब जहाँ पे लोगों के पास OTT पे इजीली मूवीज़ देखने का ऑप्शन है, कोई अगर बहुत बड़ी ग्रैंड चीज़ हुई तो ही लोग आजकल आएंगे थिएटर्स में मूवी देखने के लिए। इस सब के ऊपर आपकी क्या है राय, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई सी यू सून।